नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ नीलम अग्रवाल, आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। सो आज मैं कुछ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और बहुत सारे लोगों को कोल्ड कफ और अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक आयुर्वेदिक की सिंपल रेमेडी आपको बताती हूँ जो आप घर में करा सकते हैं अपने बच्चों को विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट्स। पहली बात है नीति, जो हम गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्का सॉल्ट डाल के करते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा डालना है 1/4 TSP एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी में। तो आप इस नाक से जब डालेंगे तो वो इस नाक से निकलेगा, फिर इस नाक से जब पानी डालेंगे तो वो इस से निकलेगा। ये अगर आप डेली करवाते हैं, अगर आपके बच्चों को कोल्ड कफ है 1 महीना डेली, तो आप खुद देखेंगे जो उनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है। और जब ये ठीक है तो ये बहुत शार्प तरीके से चलता है। नंबर टू, आप जब वो बच्चे रात को सोते हैं तो उनके नाक में गाय का घी डालना है, ऐसे करके 2-2 ड्रॉप डेली। वो बच्चे ओम का उच्चारण करेंगे तो उनकी मेमोरी शार्प होगी और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा और फोकस्ड रहेगा। नंबर 5, उनकी टेबल पे आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी रख सकते हैं जो मेमोरी उनकी बढ़ाएगा। नंबर 6, हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी टेबल पे आप सरस्वती जी और गणेश जी का चित्र भी आप रख सकते हैं, वो भी उनको ब्लेसिंग देगा। और कोशिश करें कि जब वो पढ़े सुबह और शाम, तो वो 2 बार जय सरस्वती माता, उनका बीज मंत्र और आप गणेश जी का बीज मंत्र भी आप उनसे अगर 1-1 लाइनर कराएंगे तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा पढ़ाई में, इट रियली हेल्प्स। नंबर 7, हमारे यहाँ पे एक छोटा माइंड होता है जहाँ पंडित जी की चोटी होती है, वहाँ आप इंडेक्स फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप ऐसे राउंड करेंगे 10 टाइम्स दिन में 2 बार, तो वो भी हमारा दिमाग तेज कर देगा। तो दीज आर वेरी सिंपल ट्रिक्स ऑफ आयुर्वेद एंड वास्तु जो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। नंबर 3, एक काढ़ा आता है आयुर्वेद में जिसमें आप 1 गिलास कप में हरी इलायची, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, अदरक और कंटकारी, गिलोय, ये सब चीज़ें मिलाएं और जब वो पानी 70% रह जाए तो वो आप अपने बच्चों को दिन में 2 बार दे सकते हैं। वो गले को काफ़ी एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी की दिक्कत है इससे काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप 10 दिन लगातार ये करके देखो, ये काढ़े को पिला के देखो बच्चों को, आपको खुद दिखेगा कि दिस इज़ रियली गुड और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर करो और ट्राई जरूर करो, बिना ट्राई किए कुछ रिजल्ट नहीं आता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।